नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, आप सबको ज्ञात है कि देव एवं दानव मिलकर समुद्र का मंथन किए थे। उस समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, अर्थात समुद्र के गर्भ से 14 रत्न निकले थे। लेकिन वे कौन कौन से रत्न थे और वे रत्न कहाँ कहाँ रखे गए, अर्थात किसको किसको सौंपे गए, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला, कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। सबसे पहले कालकूट विष निकलने का अभिप्राय यह है कि मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार ही निकलते हैं। हमें कभी भी बुराइयों को मन के अंदर उतरने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, कामधेनु गाय। समुद्र मंथन करते समय दूसरे नंबर पर कामधेनु गौ माता प्रकट हुई। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसलिए इसे ऋषियों को दे दिया गया। कामधेनु का अभिप्राय यह है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। तीसरा, उच्चय श्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के समय तीसरे नंबर पर उच्चय श्रवा नामक घोड़ा निकला, जो कि मन की गति से चलने वाला था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। उच्चैश्रवा घोड़े का अभिप्राय यह है कि जब भी मन भटकता है, बुराइयों से युक्त हो जाता है। चौथा, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के समय चौथे नंबर पर ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ, जो कि देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवराज इंद्र ने ऐरावत को अपने पास रखा। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। यह सफेद रंग का और अत्यंत सुंदर था। ऐरावत हाथी का अभिप्राय यह है कि जब मन बुराइयों से दूर होगा, तब ही बुद्धि शुद्ध होगी और दिव्य रूप से प्रकाशित होगी। पांचवा, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के समय पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि का प्रादुर्भाव हुआ। इस दुर्लभ मणि को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कौस्तुभ मणि का अभिप्राय यह है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति का सूत्रपात होता है। छठवां, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के समय छठवें नंबर पर कल्प वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। कल्प वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। कल्प वृक्ष का अभिप्राय यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। सातवां, अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के समय सातवें नंबर पर कुछ अप्सराएं निकली, जो अत्यंत सुंदर एवं मनभावन थीं। उन्हीं में से एक रंभा नाम की अप्सरा थी। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें भक्ति के दौरान लालच नहीं करना चाहिए। आठवां, माता लक्ष्मी। समुद्र मंथन के समय आठवें नंबर पर माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त प्रकार के सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी हैं, जो कि समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का वरण किया। माता लक्ष्मी को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, परंतु माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया, जिसका अभिप्राय यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। नौवां, वारुणी देवी। समुद्र मंथन के समय नौवें नंबर पर वारुणी देवी का आविर्भाव हुआ। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है।
इसको दानवों ने ग्रहण किया था। इसका अभिप्राय यह है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। दसवां चंद्रमा। समुद्र मंथन के समय दसवें नंबर पर चंद्रदेव का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ था। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से युक्त हो जाता है, तब हमें शांति महसूस होती है। ग्यारहवां पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के समय ग्यारहवें नंबर पर पारिजात नामक एक दिव्य वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। इसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया, क्योंकि इसके स्पर्श करते ही थकान दूर हो जाती थी। भगवान शिव को इसके पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। पारिजात का अभिप्राय यह है कि जब मन में शांति उत्पन्न होती है, तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। बारहवां पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के समय बारहवें नंबर पर पांचजन्य नामक शंख प्रकट हुआ। पांचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। इसका अभिप्राय यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। तेरहवां भगवान धन्वंतरी एवं चौदहवां अमृत कलश। समुद्र मंथन के समय तेरहवें एवं चौदहवें रत्न का प्रादुर्भाव एक साथ हुआ। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जब भगवान धन्वंतरी तेरहवें रत्न के रूप में प्रकट हुए, तो उनके हाथ में चौदहवां रत्न अर्थात अमृत का कलश भी था। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए भैया, जिससे कि इस जानकारी से सभी लोग अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।